बस चाय पीऊंगी। चाय पियेंगे आज बस। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस मैं अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो गई और आज है मेरा पहला पेपर। तो अम्मा को अल्लाह हाफिज़ करते हैं, फिर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। मेरी मम्मा की तो उसी तबीयत डाउन है आज, दुआ करिएगा आप लोग। यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं। मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ और कंस्ट्रक्शन देखें, वैसे बड़ी तेज़ी तेज़ी से कर रहे हैं। मैं तो जल्दी आ गई हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि मेरे पापा मुझे छोड़ नहीं सकते थे। तो अब पेपर तो बहुत लेट स्टार्ट होगा। चलो बैठ के थोड़ी रिवीजन करते पढ़ लें। लारेब का वेट कर, मैंने रिवीजन भी कर लिया। मैं लारेब का वेट करते करते फिर ही जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं लारेब का इंतज़ार करते करते पूरी यूनिवर्सिटी में फिर ही जा रही हूँ। और इसने मुझे कहा था कि ये 9:30 बजे तक आ जाएगी और टाइम अभी देखिए क्या हो रहा है, 10:15 हो रहा है। और ये तब मुझे फ़ोन आया कि मैं ना कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। ये यूनिवर्सिटी में भी तो जगहें होती है ना, कहाँ हो। तो मैंने कहा बस तुम आती रहो, आगे चलती रहो कॉरिडोर में, तुम्हें मैं मिल जाऊँगी। अभी आती है तो मैं देख के मुझे लेती हूँ कबर अच्छे से। ये देखें, ये रही मैडम, अकेले बैठी हुई थी, पढ़ने का मौका मिल जाए दोबारा। मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। कितने बजे तुमने आने को कहा था? 9:30, तो मैं 10 बजे आ गई। ये 10 बज रहे? 10:18 हो रहे हैं। लास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। अरे प्यारी कैसी है? मैं पढ़ के आई हूँ। पक्का वाला पढ़ के आई आगे मैं होती कर लूँ, देख लूँगी। बड़ी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। हम ही है नल्ले, ये तो बहुत माशाल्लाह से बहुत लाइक फाइक बच्ची हैं हमारी। लाइक फाइक नहीं, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने का। क्या बोली? लाइक फाइक नहीं, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने का। लाइक फाइक तो तुम हो, ये बात नहीं है कि तुम नहीं हो, बस पढ़ने की कोशिश नहीं करती आप। सेकंड ईयर तक थी उसकी वाली, बस अब मैं हिम्मत हार गई। हमने भी, हम अभी दोबारा से फिर सीरियस होना शुरू होना पड़ेगा क्योंकि सर पर हाथ तो रहे नहीं अब, जो हमें अच्छे मार्क्स दे के पास कर ले। वैसे मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ पास कौन करेगा। क्या क्या पास कौन करेगा सर? हाँ ना, थोड़ी मेहनत ही कर लो मोबाइल पे लगने से। ये ना मुझे अभी कह रही है अब तो मुझे बातों में लगा रही हो, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी लेट उठ के आई तो व्हाट? तो लिख के सोई थी मैं। पक्का? चलो इसको कहिए, इसको शिकवा है ना मुझसे कि मैं इसको बातों में लगा रही हूँ अभी पढ़े बैठ के। मैं भी अपना रिवाइज करती हूँ। हम दोनों यहाँ पे पेपर करने बैठे हैं। पढ़ भी रही हो या नहीं? पढ़ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं पासपोर्ट हो गया। नहीं तो तुम लोग बिठा लो। मच्छी मंडी में मच्छी मंडी बनी हुई है, मच्छी मंडी। पेपर आ गया हमारा, सिर्फ शीट्स में नहीं है। वो वैसे कुछ भी लिख सकते हैं नहीं? मैं तो बस शुरू से फारसी में यही कह रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन पेपर कब एक बार तोड़ दूँ तुम्हारा? नहीं पक्का तोड़ देते इसका आज पैर। हमारा पेपर हो गया है ना, और बहुत ही गंदा पेपर, सारा आउट ऑफ सिलेबस, सब कुछ भी सिलेबस से नहीं था। और इतनी मुश्किल से हमने पेपर किया है ना आज,
कि अल्लाह ही जानता है हमें सारा। मैम ने बहुत गलत किया हमारे साथ, पेपर तक तुम पेपर तक नहीं बनाया, ऐसे क्वेश्चंस बोले हमें, हद होती है। सर फरहान नहीं रहे तो हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं। अली मुझे लेने आ गया, अल्लाह आरिफ को भी लेने आ गया फाइनली। चलो बस जल्दी जल्दी चलते हैं, अली बार वेट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़ लारिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो, भीगते हुए आए हो? तेज बारिश हो रही है वहाँ पर, यहाँ पर कोई बारिश ही नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो, तो हमारी मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, मेरा पेपर हो रहा था, पेपर के दौरान मुझे कॉल्स कर दिया। देखो बाइक आज अच्छी साफ की, मैंने अपनी सारी गंदी होगी दोबारा। कोई नहीं, बस अब चलो घर चलते। जी तो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं और आपने देखा अली गीला हुआ हुआ था, तो मुझे उसकी बेचारे की पेपर के दौरान कॉल आ रही थी तो मुझे उठाना पड़ा। तो मुझे बता रहा था कि अभी जो अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, उसने मुझे रास्ते से कॉल की। तो फिर जब बेचारा आया तो हमने देखा वो गीला हुआ हुआ था, और फिर हम जब आए तो रास्ते में बहुत पानी मिला हर जगह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं मिली मुझे, मैं गीली नहीं हुई। और फिर हम अब घर आ गए और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि मैं रात को भी बहुत मुझे नींद ही ना आए रात को, फिर मेरा नाक बंद और खांसी शुरू, ठाठ और वो फेंक शुरू हो जाती है, मुझे बहुत बुरी खांसी होती है जब होती है। और फिर उसके बाद जो है जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फिर मेरी इतनी मतलब जो है ना तबीयत नहीं ठीक थी सारी रात, और मेरा सारी रात जागती नहीं हूँ, हालांकि मोबाइल भी नहीं यूज़ करती हूँ। कहते हैं ना मैंने मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए नींद नहीं आ रही थी, मैं मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रही थी और मुझे फिर भी नींद ना आए, और सुबह जाके मुझे थोड़ी सी नींद आई, और उसके बाद ऑब्वियसली उठने का टाइम हो गया। फिर मैं नाश्ता भी मैंने कोई नहीं किया, मम्मा बेचारी मुझे कहती रही खा लो खा लो खा लो कुछ खा लो, लेकिन मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ चाय पी और मैं यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी गई हूँ तो यूनिवर्सिटी जाके मुझे भूख लगी है, तो बस अब मैं आई हूँ और अब मैं कुछ खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा ने दाल है और अंडा है और सॉसेज जिसमें मम्मा ने तल दिए, खाते हैं और फिर खाने के बाद मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना खा चुकी हूँ अब, और अली जो है वो बेचारा गीला हुआ था, शुक्र है वो तैयार होके नहीं आया, क्योंकि आज उसकी जो है कॉलेज में था फेयरवेल है, तो वो बेचारा बस अब गीला हुआ था। वो बेचारा नहा के आया हुआ था मुझे लेने, लेकिन फिर भी अब दोबारा से उसको नहाना पड़ रहा है, नहा रहा है, कपड़े चेंज करेगा और फिर चले जाएगा फेयरवेल पे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी जो अली जो है वो फेयरवेल के लिए बस अब रेडी हो के वो बस चला गया है ऑलमोस्ट, तो वो आता है तो फिर हम उससे पूछेंगे कैसा रहा उसका फेयरवेल। और मैं जो हूँ अब सोती हूँ, क्योंकि मैं रसोई भी तो हूँ नहीं, और मैं अगर सोऊंगी नहीं तो मुझे पढ़ कैसे सकूँगी कल के पेपर के लिए, तो सोते हैं सोने के बाद उठ के बताते। मैं सोकर उठ गई हूँ और अब थोड़ा पढ़ते हैं, और तो पेपर है दूसरा पेपर है मेरा, और मामा की कॉल आ गई। और मामा से ना मैंने आज फरमाइश की है किसी चीज़ की, क्योंकि रमज़ान आने वाले, तो मैंने कहा चलो बाबा को कॉल आ रही, बाबा की कॉल अटेंड करके बात। जी फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि बाबा की कॉल आ रही थी, और बाबा की कॉल आई तो बाबा ने बताया कि मेरी कज़न जो है ना वो कराची से आई हैं और वो हमारे घर आ रही हैं, तो अर्जेंटली मुझे सब कुछ घर वगैरह साफ़ करना पड़ा, तो वो आ गई थी। और फिर मैंने शूट नहीं किया, मैं अच्छा नहीं लगता किसी की इजाज़त के बगैर शूट करना, तो उनके बच्चे भी आए थे माशाल्लाह से, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके। और क्या कहते हैं, मेरी फूफो की जो बेटी है ना, मेरी रूही बाजी, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भी भेजा है, आपको गिफ्ट दिखाती हूँ अपना। अरे मेरे लिए गिफ्ट आया ये देखें, ये एक शर्ट आई है, कुर्ती बहुत प्यारी पिंक कलर की, ये जब मैं पहनूँगी ना तो तब आपको दिखाऊंगी। और एक ये परफ्यूम, वाओ, आई गॉट टू गिफ्ट्स। और ये देखें उन्होंने लिखा है डियर, ये देखें उन्होंने मेरे लिए लिख के भेजा है इसमें, डियर मीना हम रूही बाजी, थैंक यू रूही बाजी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आई लव बोथ ऑफ देम। और ये मैंने अभी खोला नहीं है, मैं इसको बल्कि अभी खोल ही लेती हूँ, खुल जा भाई। एक हाथ से खुल गया, इस गिफ्ट को खोलते हैं।
वक्त तो बड़ा अच्छा रहा है, अच्छा ही भेजा होगा। और वैसे भी गिफ्ट्स जो होते हैं वो प्यार से भेजे जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। हम आई गॉट टू गिफ्ट्स हाँ माशाल्लाह। ये रही परफ्यूम, खोल ना माँ। ये कहाँ दिखाओ दुकान का, ये रही इसको खोलते हैं, स्मेल करते हैं। ओह वाह बहुत अच्छी परफ्यूम है, थैंक यू रूहिबा जी, दोनों शर्ट के लिए भी और परफ्यूम के लिए भी। और अभी बाबा बस आने वाले होंगे, मैंने कहा भी था तिमी को कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाबा से मिल के जाना, लेकिन उसको जाना था तो चली गई अपने बच्चों को लेकर। अब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी इंशाल्लाह हमारे घर, फिर देखते क्या करते हैं। और अभी मामा ने मुझे कहा है कि मुझे थोड़ी सी सैलेड के लिए बंद गोभी काट दो, तो बंद गोभी काट के देखते हैं। मामा बंद गोभी काट, ये रही बंद गोभी काटते हैं। हाँ मेरे लिए, मेरी फरमाइश पे क्या बना रही है अम्मा? बिरयानी। मेरा इतना दिल करता है, मैंने कहा मामा रमज़ान आने वाले मतलब स्टार्ट होने वाले एक दो दिन में, तो मैंने कहा प्लीज़ आप जो है ना मुझे बिरयानी बना के खिला दी, क्योंकि रमज़ान में ना वालेकुम अस्सलाम अली भी आ गया उन्हें छोड़ के। और मैंने मम्मा से कहा मैंने कहा रमज़ान स्टार्ट होने वाले तो प्लीज़ बिरयानी बना दें, क्योंकि फिर रमज़ान में जो है ना वो ये चीज़ें नहीं खाई जाती, वो फिर वो रमज़ान का अलग ही होता है ना, चावल वगैरह ये सब चीज़ें खाने का मज़ा नहीं आता, सिर्फ अफसहरी में सालन थोड़ा, वो भी सहरी के लिए सालन और क्या कहते हैं पराठे के साथ बस जो है ना कबाब, यही अफसहरी में मज़ा आता है। और फिर खाना वगैरह तो इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता वैसे भी, वैसे बन को भी काटते हैं। मामा कहते बातों में लग जाती है ये बहुत, बन को भी काट के मैं बात करते हैं। मैंने बन को भी कट कर दिया और इसमें डालूंगी मैं क्रीम। ये देखें मम्मा ने बिरयानी रेडी कर ली है, मम्मा निकाल दें जल्दी जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। अब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि इतने मज़े की बिरयानी इतने दिनों बाद मम्मा से बनवाई है ना, तो खाते हैं और मज़े से फिर बात करते हैं। ये है मेरी प्लेट और मैं ख़ास तौर पे ना अपनी प्लेट में हरी मिर्च ज़रूर डलवाती हूँ, आई लव हरी मिर्च है ना माँ। और ये है सैलड, बंद गोभी वाली सैलड, मम्मा को और अली को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम भी खाते हैं शौक से, लेकिन मैं पहले खाली बिरयानी खाऊँगी विद माई फेवरेट डोरेमोन। खाना खाने के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया और मामा ने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी और मज़ा आ गया आज, ने दिनों बाद बिरयानी खाई थी ना, पता क्या दो चार दिन पहले की बात है, सबरीना खाला के घर जब हम गए थे तो सबरीना खाला ने बिरयानी बनाई थी, उफ फ्राइडे को गए थे, और इतनी धुआंदार बिरयानी थी ना, मुझे स्पाइसी बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तभी मम्मा से कह दिया, मैंने कहा मम्मा बस अब रमज़ान स्टार्ट होने वाले तो थोड़ी सी बिरयानी बना के खिला दें, तो मामा ने बिरयानी बनाई थी और मज़ा आ गया, हाय लव हो गया अम्मा, थैंक यू मामा बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है। और मैं आपको बताऊँ मीठे में मतलब मुझे तो अब पता चला, मैं देखा ही नहीं उस वक्त, और जो मेरी कज़न है कराची से जो आई हैं, तिम्मी जो है मेरी तहरीम बाजी है मेरी, उनको हम प्यार से तिम्मी कहते हैं, तो वो हमारे लिए ये पेड़े हमारे पेड़े होते हैं ना ये जी बेटा, पेड़े भी वो लेकर आई हैं मीठे में, थैंक यू सो मच रूही बाजी एंड तिमी फॉर द पेड़े, वी लव्ड इट है ना मामा, बहुत मज़े के हैं, कराची से आए हैं पेड़े, आहा हा। और हाँ मैंने आप लोगों से कहा था अली जो है फेयरवेल से आएगा तो पूछेंगे कैसा रहा फेयरवेल आज, कैसा रहा आपका फेयरवेल? बहुत मज़ा आया, मेरा भी जब फेयरवेल हुआ था ना पंजाब कॉलेज में, फीलिंग एक ना एक अलग सी होती है, मतलब ना एक वो हो रहा था गम होता है कि हम मतलब ये जो 2 साल होते हैं इतने ज़्यादा मज़े के, यही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है ना वो मज़े के होते हैं पूरी लाइफ में, मतलब पढ़ाई की लाइफ में ना, ऐसा लग रहा है सिर्फ आंख झपकी और सारा ख़त्म। कैसा रहा ये तो बताओ? बहुत मज़ा आया, मज़ा आया, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी हमारे वहाँ की। और कहाँ पे था? निशाद होटल एम्पोरियम में था, लेकिन वाह बहुत खूबसूरत होटल था। हमारा जो फेयरवेल हुआ था वो हुआ था पीसी होटल में,
हमारी वेलकम पार्टी किसी होटल में हुई थी, हमारी वेलकम हुई थी रॉयल पाम में, बड़ा मज़ा आया था आज, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कोई वो एक ना अब दुख भी हो रहा होता है और दोस्तों से, फिर उसके बाद पता है क्या, सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे तो मैं आपको कह रही थी, मैं आपको बताऊँ, मैं जब कॉलेज मेरा जब ख़त्म हुआ तो मेरी सिर्फ और सिर्फ अब जो है कनेक्शन जो है ना, वो सिर्फ सवेरा से है और उम्मे हनी से है। और पता नहीं मतलब दोस्तियाँ, मतलब ऑब्वियसली सब जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और सब लोग अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर दोस्तियाँ वो रह नहीं पाती, लेकिन रखने वाले रखते हैं। आज मुझे मज़ा तो बहुत आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस किया। हाँ, इससे अपने बेस्ट फ्रेंड का उसकी बहुत ज़्यादा याद आई मुझे। हाय, वो मेरा जानू है। जानू है इसका मेरा सबसे प्यारा दोस्त है वो। मेरी जैसे सवेरा है ना, मेरा भी यही है। चलो अब इसका भी कल पेपर है, देखो आज फेयरवेल था और कल पेपर भी है, और मेरा भी पेपर है। अब तो बहुत टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम है, पढ़ते थोड़ा सा। और मैं सोचे अपना व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे नहीं लगता मैं एंडिंग ले पाऊँगी। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को हाँ तो बताओ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक कर दे, कुछ नहीं जाता, एक बटन है बस, जैसे उसको आपने क्लिक करना है, लाइक कर दें ज़रूर व्लॉग को, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।